इसको मैंने गाड़ी सिखा देनी है। वो क्या सोचेगा कि यार इतने से बच्चे से 150 रेंज रो। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम नुमान हसन है। तो आज मैं ये मेरे पास शेर का बच्चा है जो कि जैट बॉक्स में बंद है। आज इसको मैं पहली बार ट्रैवलिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, इसको घुमाने फिराने के लिए लेके जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने एक व्लॉग में बताया था कि मेरा शोरूम है गाड़ियों का, तो उधर बड़े दोस्त मेरे आए हुए थे, वो कह रहे थे कि शेर का बच्चा लेके आओ, हमने इसे इसके साथ पिक्चर्स लेनी है। तो मैंने अब थोड़ा, पहले तो ये थोड़ा छोटा था, अब ये थोड़ा स्टेबल हो चुका हुआ है, ये तकरीबन 1.5 महीने का हो चुका हुआ है। तो अब इसको इजीली ट्रैवलिंग करवाया जा सकता है। और इससे पहले तो छोटा होता है, इसकी केयर बड़ी होती है, किसी डर होता है कि किसी के हाथ से ना गिर जाए या कोई नुकसान ना हो जाए इसको। लेकिन जो अब इसकी एज आ गई है तकरीबन 1.5 महीने, तो अब ज़रा स्टेबल हो चुका हुआ है, अब ये डर नहीं होगा कि मुझे किसी के हाथ से गिर जाए तो इसको चोट ना लग जाए या किसी किस्म को और नुकसान ना कर ले। तो चलें जी, मैं इसको लेके चलता हूँ, बाकी की वीडियो मैं आपको शोरूम जाके दिखाऊंगा। और अभी इसको मैं रखता हूँ गाड़ी में और करवाता हूँ ट्रैवलिंग, इसको देखते हैं ये कैसा वहाँ पे रिएक्शन देता है ट्रैवलिंग में, गाड़ी में इजीली बैठ जाता है या फिर मुझे तंग करता है गाड़ी में, क्योंकि जिस तरह भी ये शोर डाल रहा है मुझे लगता है गाड़ी में भी तंग करेगा मुझे। तो अब देखते हैं कि गाड़ी में फिर क्या रिएक्शन होता है इसका। ये आपको छोटा सा बच्चा लग रहा होगा लेकिन ये इसका फिर भी वेट बहुत है। अभी ये देखे ना, मुझे उठाने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका काफ़ी ज़्यादा वेट है उठाने में। देखने में जो इसका साइज़ है उसके हिसाब से लगता है कि बहुत कम वेट का होगा, लेकिन जब इसको उठाओ तो लग पता जाता है। रखने लगा हूँ मैं इसको गाड़ी में। तो जी अब हम निकल पड़े हैं, ये सामने आप देख सकते हैं कि रोड पे जा रहा हूँ मैं और गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे मेरा ये जो है ना शेर का जो बच्चा ना, ये बड़ा तंग कर रहा है, ये शोर डाली जा रहा है। और शोर डालने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो किसी तरीके से, मैं बाहर आ जाऊँ और मैं फिर ना अपना ज़्यादा हो जाऊँ। लेकिन मैं गाड़ी की सफाई की वजह से इसको निकाल नहीं रहा, लेकिन जितना ये मुझे अभी, वैसे वीडियो जब से स्टार्ट किया तब से तो नहीं बोला, लेकिन पहले बोली जा रहा था। तो अब मैं बाहर ले कर तो आऊँ, लेकिन ये मुझे तंग करेगा ड्राइविंग करते वक्त भी, और वैसे भी गाड़ी में गन भी डाल सकता है, लेकिन फिर यही है कि अगर ज़्यादा तंग किया तो इसको मुझे मजबूरन निकालना पड़ेगा और फिर अपनी मैं गोद में बिठाऊँगा या साइड पर कहीं पर बिठाऊँगा इसको, ताकि ये ज़रा ना ईजीली स्टेबल हो जाए यहाँ पर, अपना जो है ना रिलैक्स फील करे गाड़ी में। ले जी, इसको मैंने निकाल लिया हुआ है, लेकिन ये गोद में भी जो है ना सुकून से बैठने का नाम नहीं ले रहा। अब जो है, अब मजबूरन, अब ना उधर खुश था ना इधर खुश है, तो अब मजबूरन फिर मुझे अब जोली में बिठाना ही पड़ेगा और पकड़ के बैठना पड़ेगा। अब ये देख रहा है सड़क पे, मैं इंजॉय करूँ। मैंने जैसा कि आपको शुरू में बताया कि इसका फर्स्ट टाइम है ट्रैवलिंग का, तो ये बड़ा कन्फ्यूज़ अभी गाड़ी में बैठ के, इसको समझ नहीं आ रही मैंने करना क्या गाड़ी में बैठ के। वरना जिनको आदत होती है ट्रैवलिंग की, वो आराम से बैठ जाते हैं सीट पर और अपना जो है ना सफ़र इंजॉय करते हैं। इसको अभी तक समझ नहीं आ रहा मैंने जाना कहाँ है, मेरी जगह कौन सी है जहाँ पे मैंने बैठना है। चलो बेटे गाड़ी चलाओ, चलो शाबाश, चलो गाड़ी चलाओ। ये देखें जी, शेर गाड़ी चलाने लग गया, तो इसको मैंने गाड़ी भी सिखा देनी है चलाने के लिए। चलो बेटे गाड़ी चलाओ, उधर ध्यान रखो सामने लग जाएगी गाड़ी, चलो फुल फोकस रख के गाड़ी चलाओ। ये जी गाड़ी सीखने लग गया, स्टीयरिंग पे से होल्ड कर लिया, ऐसे ऐसा रेस पे भी जो है ना ये अपनी पोजीशन सेट कर लेगा। इसको मैंने गाड़ी सिखा देनी है, अब नहीं चलानी गाड़ी, अभी छोटे हो। चलो बड़े होके तुम्हें मैं गाड़ी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने। क्या चाहिए यार, क्या चाहिए, क्यों तंग करते हो? एक तो इसके नाखून भी बहुत लगते हैं ना, इसलिए मुझे ज़्यादा इरिटेशन होती है। अब ये जहाँ पे हाथ लगाता है मेरे स्किन पे, क्योंकि मुझे इसका नाखून लग जाता है। चलो ये लो बाहर, देखो बाहर इंजॉय करो, देखो क्या हो रहा है बाहर, देखो बाहर। चलो इधर दिल लगाए रखो अपना, ये जी बाहर देख रहा। चलो बेटा बाहर देखो गाड़ियों को, नहीं देखना, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, तंग ना करो गाड़ी चलाने, तो मुझे आगे गाड़ी लग जाएगी। क्या चाहिए यार, क्यों तंग करते हो, आराम से बैठा करो। किसी तरीके से सुकून नहीं है, ना पीछे सुकून था, ना जेट बॉक्स में सुकून है, ना मेरी गोद में सुकून है, ना गाड़ी चलाते सुकून है, चाहिए क्या फिर तुम्हें? यार किसी तरीके से तो यार सुकून ले लो, अब मैं क्या करूँ, अब मैं गाड़ी भी चलानी है, तुम्हें भी संभालना है, एक काम हो सकता है एक टाइम पे। चलो यार नवाल भाई, ये आप पकड़ो आप इसको, ये जो है ना मैंने गाड़ी की तरफ ध्यान रखना और ये मुझे ध्यान नहीं रखने दे रहा, इसको आप ही पकड़ो संभालो किसी तरीके से, क्योंकि मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ। तेजी नवाल की गोद में आके जो है ना ये सुकून से बैठ गया हुआ है, वैसे तो सुकून शेरों को हो ही नहीं सकता, तो अब फिलहाल ये अपनी जगह देख रहा है मैंने कहाँ पे सुकून से बैठना।
या पीछे जाना चाह रहा है, पता नहीं क्या है यार इसको, कहाँ पे खुश है यार इसको, किसी जगह पे ऐसी जगह सेट कर दे जहाँ पे ये खुश हो जाए। ये जी आखिर का बड़ा टाइम लगा के आखिर बैठ ही गया है, और इस टाइम पे सुकून से बैठा हुआ है, चिल मोड में बैठा हुआ है यहाँ पे फ्रंट पे, और बड़ा रेस्ट कर रहा है यहाँ पे। और तकरीबन हम शोरूम भी पहुँचने वाले हैं, ये देखें एक और चीज़ है, मुझे जैसा कि शेरों का बड़ा शौक है तो मैंने अपनी ये जो गाड़ी में भी ये शेर सजाया हुआ है यहाँ पे डेकोरेशन पीस के तौर पे, और देखें ये वॉलपेपर भी गाड़ी में मेरी तस्वीर का टाइगर के साथ, और ये देखें जी ये हमारा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। जी हम शोरूम पे पहुँच चुके हुए हैं, ये कार्स किंगडम शोरूम का नाम है, और ये आप देख सकते हैं ये हम पहुँच चुके हुए हैं, और ये सामने मेरे जो है ना बड़े अच्छे दोस्त अहमद भाई खड़े हुए हैं, जो कि खुद भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे शेर आ रहा है। ये जी अहमद भाई आए हैं। हाँ जी अहमद भाई, यार देखो यार छोटे से शेर के बच्चे से डर गए आप अहमद यार, इतनी बेइज्जती करवा दी है यार, मैं अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, सब जो देखेगा वो क्या सोचेगा कि यार इतने से बच्चे से डरता है, बच्चा भी डरा रहा है वैसे। उतार लिया हुआ शेर के बच्चे को, ये अब हम अपने शोरूम के बाहर कार्स किंगडम शोरूम मौलाना शौकत अली रोड लाहौर, उधर हम पहुँच चुके हुए हैं, और अब इसको शोरूम के अंदर लेके जाते हैं। ये जी फोटोशूट हो रहा है शेर के साथ, ये अंकल आए वैसे कहते शेर के साथ मैंने तस्वीर खिंचवानी नहीं गिरता नहीं कुछ कहता। ये जी शोरूम के अंदर हम पहुँच चुके हुए हैं, ये माशाल्लाह शोरूम है, इधर मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये फोर्ड F-150, रेंज रोवर, मर्सिडीज EQS, सिग्नस, BMW, ऑडी, ये भी ऑडी Q7 खड़ी हुई है यहाँ पे, ये जीप खड़ी हुई है, ये भी जीप है, तो ये ऊपर लेके जा रहे हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में लेके जाने लगे हम। ये देखिए जी गाड़ी के नीचे छुप गया, इसको जो है ना कोई छुपने की जगह चाहिए होती है, तब ये गाड़ी के अंदर नीचे जाके छुप चुका हुआ है, वो गाड़ी के नीचे नीचे घूम रहा है, मैं फिर उसको जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी गाड़ी के नीचे, बल्कि ये निकलाया हुआ है, इसमें गाड़ी के नीचे ढूंढ रहा था, अब ये शोरूम के ऊपर वाले पोर्शन में टहल फिर रहा है यार। काटेगा तो नहीं ना यार, देख लो काटे ना क्या पिता भैया। जी अहमद, हाँ जी जो आलो तस्वीर नहीं काटता यार, छोटा सा बच्चा, इसने क्या तुम्हें कुछ कहना है अब ले लो अच्छे से तस्वीरें, बड़े दिन से मुझे तुम कह रहे मैंने तस्वीरें लेनी है यार, देखो इतने से बच्चे से डर रहे हो यार, नहीं मारता पंजा, जिस तरह तुम्हें पका है उसका पंजा ही तुम्हारे हाथ तक पहुँचेगा, गारंटी गारंटी है इतने से बच्चे की क्या मैंने, चलो जाओ यार अहमद, मेरी बेइज्जती करवाई है, ये सब लोग तुम्हें वीडियो में देख रहे हैं वो कहेंगे यार इतने छोटे से बच्चे से लड़का डर रहा है। देखो कितना शरीफ बच्चा और तुम इसे डर रहे हो, देखो ये यार किस तरह बच्चा लग रहा है, ऐसे तो और तुम्हें डराएगा, जितना शेर से डरो शेर उतना ज़्यादा डराता है, चलो राखी दो तुमसे नहीं हो पाएगा। ये जी शिरोज भाई आए हैं बड़ी दूर से, ये पाकिस्तान के बड़े फेमस बंदे हैं शिरोज खान जी भाई, जी भाई खाओ उठाओ कुछ नहीं कहता, ऐसे देखा ना तरीका होता पकड़ने का, शेर भी इजी हो जाता है, शेर हमारे साथ भी इजी होगा, शेरों के साथ ही शेर इजी होते हैं। हाँ शेरों के पुत्र शेर यार, इस पिक्चर पिक्चर या वीडियो बना लो, वीडियो बना दे ब्लॉगर भाई का, इनका बना ले लेकर क्या कह जा रहे हो, उन्हें दंद कटी वही कर इतना
ये था आज का व्लॉग। आज का मैंने आपको दिखाया कि मैं मेरे जितने दोस्त तस्वीरें लेना चाहते थे लेकिन डरते भी बहुत हैं। मैं तो उनको समझाता हूँ कि यार छोटा सा बच्चा है, इसे क्या डरना आपने, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आती, बहुत डरते हैं। अभी मेरे पीछे देखें, ये अकेला हुआ है और शोर डाल रहा है शोरूम पे, पूरे आवाज़, छोटा सा बच्चा फिर भी आवाज़ पूरे शोरूम में गूंज रही है। वैसे आपसे बात नहीं की जा रही जितना उसका साउंड है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मेरी कोशिश होगी कि मैं इसी तरह डेली ब्लॉगिंग आपके साथ करता रहूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बंदा कितनी दे सकता है, जितनी इन्फॉर्मेशन, इतने टॉपिक नहीं होते कि बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे सके। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको डेली ब्लॉगिंग करके दिखाया करूँ, ताकि जो है ना आपको भी मेरा जो है डेली रूटीन का पता चलता रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।